हे गाइस, आज सीखेंगे बहुत ही सोलफुल थीम म्यूजिक, कल हो ना हो, और इसको मैंने यहाँ पर चार स्ट्रिंग पे प्ले किया है। तो चार स्ट्रिंग पे प्ले करने का रीजन ये है कि इसमें एक लाइन ऐसी आती है जिसमें नोट बहुत फास्ट चेंज होता है, ठीक है? तो अगर वो नोट फास्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगी। मैं बताता हूँ कौन सा, ठीक है? तो ये देखा आपने यहाँ पर टंग 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 टंग, तो मैंने क्या किया, ठीक है, ऐसे हो गया मेरा। अगर यही चीज़ अगर सिंगल स्ट्रिंग पे करता मैं, या कुछ ऐसा अरेंज करता कि बहुत लंबा रन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा रन करना पड़ेगा आपको, तो इसमें ब्रेक आ जाएगा, ये जो टंग 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 टंग, इसमें ब्रेक आ जाएगा। और जब ब्रेक आने लगेगा तो फिर वो जो रियल वाली फील है ना, वो नहीं आ पाएगी। देखिए, सॉन्ग को, किसी भी सॉन्ग को सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले किया जा सकता है, कोई भी सॉन्ग हो, लेकिन अगर हर सॉन्ग को सिंगल स्ट्रिंग पे आप डालने की कोशिश करोगे तो उसकी फील चली जाएगी, ठीक है? तो आप गिटार सीख रहे हो तो गिटार मतलब म्यूजिक होती है, फील भी लानी है। ये नहीं कि बस सिंगल स्ट्रिंग पे डाल दिया और फील आए या ना आए, ब्रेक हो रही कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर हाँ ये सॉन्ग सिंगल स्ट्रिंग पे सूट नहीं कर रहा है तो हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग पे ना अटके रहें, ठीक है? और ऐसे कुछ कोशिश करें, चार स्ट्रिंग पे कोशिश करें, पांच पे करें, तीन पे करें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने प्ले की, इसका एक फ़ायदा और बताता हूँ। देखिए, अगर आप इसको मिडिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 11th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर आपकी मिडिल फिंगर रहेगी, आप मिडिल फिंगर से ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है? उससे फ़ायदा क्या होगा कि मिडिल फिंगर आपकी यहाँ पर रहेगी, इंडेक्स फिंगर ये खाली रहेगी, ये यहाँ के लिए हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली फिंगर यहाँ के लिए हो जाएगी, और ये वाली फिंगर यहाँ के लिए हो जाएगी, ठीक है? तो हर फ्रेट पे एक एक फिंगर जो है वो कवर हो जाएगी। ये अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है और बहुत ईजी रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा ये। और जो बिगिनर है उनको शायद ये पिंकी फिंगर से प्रेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए एक बार, ठीक है? आप उससे भागिए मत, अगर परेशानी आ रही तो भागिए मत, आप ट्राई करिए, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो आप इसकी जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो आपकी वही आदत पड़ जाएगी, ठीक है? तो आप जो सही चीज़ है उसको सीखिए, मतलब आप चारों फिंगर का यूज़ करिए, क्योंकि ये सही चीज़ है। अगर आप सही चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको सही आदत पड़ेगी, और जब आपकी गिटार में अच्छी आदतें पड़ेंगी तो आपके गिटार की स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, और बहुत जल्दी जल्दी आप फास्ट ग्रो करेंगे। तो चलिए अब इसको पार्ट बाई पार्ट करके सीखते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होगा 11th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है? तो 11 देन 10 देन 11 देन 10 देन 11 then 10 then 11 then 10 on first string then 13 on second string then 11 on second string then 10 on second string then 12 on third string then 10 on second string then 12 on third string then 10 on second string। तो चलिए अब इसको स्लोली देखते हैं कैसा आता है। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट पार्ट का, तो फिर से हम लोग रिपीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट स्टार्ट होगा 10th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग से, 10 ऑन थर्ड स्ट्रिंग देन 12 ऑन थर्ड स्ट्रिंग देन 11 ऑन सेकेंड स्ट्रिंग then 12 on third string। तो इसको स्लोली देखते हैं कैसा आता है। तो यहां तक हो गया, अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट स्टार्ट होगा 13 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग से, 13 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग then 10 ऑन थर्ड स्ट्रिंग then 12 ऑन थर्ड स्ट्रिंग then 10 ऑन थर्ड स्ट्रिंग। तो इसको स्लोली देखते हैं। यहाँ तक हो गया, उसके बाद अगला पार्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पार्ट है जो थर्ड वाला पार्ट था, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 10 ऑन थर्ड स्ट्रिंग देन 12 ऑन थर्ड स्ट्रिंग देन 11 ऑन सेकंड स्ट्रिंग देन 12 ऑन थर्ड स्ट्रिंग। तो इसको स्लोली देखते हैं ऐसा आएगा ये। तो यहां तक हो गया, उसके बाद आता है अगला पार्ट। अगला पार्ट स्टार्ट होगा 13 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग से, 13 on 4th string, then 13 on 3rd string,
then 12 on third string, then 10 on third string, then 13 on fourth string, then 10 on third string. तो इस पार्ट को स्लोली प्ले करते हैं. तो चलिए एक बार धीरे धीरे शुरू से प्ले करते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. फर्स्ट पार्ट इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे. उसके बाद थर्ड पार्ट, उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट, उसके बाद फिर अगला पार्ट जो है वो बिल्कुल थर्ड पार्ट जैसा है, फिर लास्ट पार्ट.